अकेले नहीं जाएगी, मैं भी तेरे साथ चलूंगी। यश जी ने अभी तक ये सच अपने घर वालों को बता दिया होगा, तो अकेले उनका सामना कैसे करेगी, क्या जवाब देगी उन्हें? क्या हुआ आरती भर, ये घबराहट कैसे? अगर ये बात तो खुद आकर मुझे बताती तो जो मांगती मैं तुझे देती, पर तू चुप क्यों रही? तुम दोनों के बीच में जो तीसरा इंसान है उसके बारे में हम सबको पता चल गया। और अभी ये बात तुम्हारे यश जी ही कहेंगे तुमसे। यश की जिंदगी में और इस परिवार में खुशियां दोगुनी कर दी हैं तुमने। फाइनली घर की सारी टेंशन सारी परेशानियां आज के दिन दूर होगी भाभी, साल के आखिरी दिन, है ना भैया? अब तो आने वाले साल में आप दोनों का रिश्ता और भी गहरा और भी मजबूत हो जाएगा, राइट भैया? आप नहीं जानते प्रतीक भैया, मेरे और यश जी के बीच मेरा अतीत आ चुका है प्रशांत, और मुझे डर है कि उस अतीत की मौजूदगी हम दोनों के बीच बंधी प्यार की स्टोर को कहीं तोड़ ना दे। कहिए ना यश भैया। भैया बोलिए ना भाभी को। यश कुछ तो बोल मेरे भाई, कब तक चुप रहेगा? हाँ हे भगवान, इन दोनों का कुछ नहीं हो सकता। अरे रिपोर्ट आई है, मेरा होने वाला पोता बिल्कुल ठीक है। अब चिंता करने की कोई बात नहीं, समझी? हाँ आरती, ईश्वर की दया से तुम्हारी सारी कॉम्प्लिकेशंस खत्म हो गई। अच्छा रुक, मैं भी आई। मेरे भगवान की कसम, घर में सब लोग ऐसे बावले हो रहे हैं जैसे ये दुनिया की पहली औरत है जो बच्चे को जन्म देने वाली है। कॉन्ग्रेचुलेशंस भैया भाभी। अब तो अपनी खामोशी तोड़िए, कुछ तो बोलिए अपनी खूबसूरत सी बीवी से। देखिए कितने प्यार से आपको देख रही है आरती जी, बहुत बहुत बधाई। जिस खुशी का आपको बेसब्री से इंतजार था, देखिए एक साल में आपको मिल गई, है ना? मेरी जिंदगी में कुछ
खुशियां लाने वाले आप हैं यश जी। मैं तो बिल्कुल सही कह रही है आरती। यश भैया ने भी तो कितना ख्याल रखा है आरती का, इसलिए तो सिर्फ 6 हफ्तों में सारी कॉम्प्लिकेशंस खत्म हो गई हैं। माँ और बच्चा दोनों स्वस्थ हैं। इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है? मैंने कुछ नहीं किया भाभी, ये आरती जी की किस्मत और इनकी चाहत है। और देखिए, इनकी खोई हुई खुशी वापस मिल गई। बहुत बहुत मुबारक यश, ये साल वाकई बहुत खुशियां लेकर आया हमारे परिवार के लिए। आती बहू, यह हमारे परिवार की रीत है कि जब बहू को 3रा महीना लगता है तो उसे हमारी एक कुलदेवी की लगी मोहर वाला बाजूबंद पहनना होता है। ये तेरे होने वाले बच्चे की रक्षा के लिए है। यश ले बेटा, जरा मेरी बहू को ये बाजूबंद तो पहना दे। समझ में आया कि दर्द का एहसास क्या होता है। फाइनली 2012 खत्म और 2013 शुरू। तालियां मारो भाई। Wish you a very, very happy new year. Both of you. Happy new year to you too. Thank you. Come. Wish you a happy new year. Thank you. कुछ पूछेंगे नहीं अशी, मुझसे कोई सवाल नहीं करेंगे। Please अशी, रहिए प्लीज। आपकी चुप्पी पागल कर रही है मुझे। कुछ तो बोलिए, कुछ तो पूछिए। सवाल जवाब उनसे किया जाता है आरती जी, जो अपने होते हैं, बेगानों से नहीं। जो हुआ क्यों हुआ, एक बार मुझे मौका तो दीजिए, मैं आपको सब कुछ समझा दूंगी। शशि, बस एक बार मुझे बोलने का मौका तो दीजिए ना प्लीज। आरती जी, अब समझाने को कुछ बचा ही नहीं। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज की शाम को और रोशन और रंगीन बनाने के लिए पेश है आज शाम का पहला नजराना। अंगड़ाइयां लेती हूं मैं जब जोर जोर से, अंगड़ाइयां लेती हूं मैं जब जोर जोर से, वो आह की आवाज है आती हर रोर से। मैं तो चलूं इस कदर कि मच जाए रे गदर, होश वाले भी मदहोश आए रे नजर, मेरे फोटो को
मेरे फोटो को सीने से यार चिपका ले सैया फेविकॉल से, मेरे फोटो को सीने से यार चिपका ले सैया फेविकॉल से, फेविकॉल से, फेविकॉल से, मैं तो कब से हाय मैं तो कब से हूँ रेडी तैयार पट्टा ले सैया मिस कॉल से, मैंने आपका कहा माना है। आपने कहा यश जी मुस्कुराइए तो मैं अपना दर्द भूल के मुस्कुराया। आपने कहा कि यश जी मेरे साथ घूमने चाहिए, मैं आपके साथ घूमने गया। आपने जैसा चाहो वैसा ही हुआ आरती जी। आपकी हर बात मानी है मैंने, लेकिन आज आरती जी मैं आपकी कोई बात नहीं मानने वाला, कोई बात नहीं। मैं आपकी भलाई के लिए कह रही हूँ, सादा पीना सेहत के लिए अच्छा नहीं, कलेजा चलता है। कलेजा चलता है तभी तो इंसान पीते हैं आरती जी। भैया भाभी क्या हुआ, सब ठीक तो है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? नहीं प्रतीक, सब ठीक है। अच्छा हुआ तुम यहां पे आ गए। आरती जी से कहो ना कि वो मुझे आज पीने थे, आज तो मौका भी है और दस्तूर। बस इतनी सी बात है भाभी, भैया को आज रात के लिए पीने दीजिए, सिर्फ आज रात के लिए परमिशन दे दीजिए, कल से वही करेंगे जो आप कहेंगे। आपका कहा बिल्कुल नहीं टालेंगे। क्यों I'm not
रानी तू मेरा जा, रानी तू मेरा जा, मिलन से अंबर आज रचा जा, दिल के शीश महल में आ जा, मिल फेरों के ब्याह रचा जा, रानी तू मेरा जा, रानी तू मेरा जा। बस एक बार मुझे मेरी बात कहने का मौका तो दीजिए। एक बार जान लीजिए कि जो कुछ हुआ वो क्यों हुआ। मैं आपको सब कुछ बताना चाहती हूँ यश जी, एक मौका दे दीजिए प्लीज। यश दोस्त, आज तो आपको एक गाना सुनाना ही पड़ेगा, प्लीज आज मना मत करना। ये खुशी आरती जी ने सबको दी है, इसलिए गाना आरती जी गाएंगी। ये आप क्या कह रहे हैं जी? मैं नहीं। आरती जी इनकार मत कीजिएगा मेरे खातिर। Excuse me, आज हम सबके सामने आरती जी गाना गाएंगी। तालियां। Thank you.
आपकी आवाज बहुत प्यारी है आरती जी। मिस्टर यश, आप बहुत लकी हैं। इस मामले में यश और आरती दोनों ही खुशकिस्मत हैं, जो एक दूसरे को उन्हें साथ मिला। इसे कहते हैं मेड फॉर ईच अदर। प्लीज यशी, यशी। कमाल करती हैं आप आरती जी, ना तो आप मुझे गिरने देती हैं, ना ही संभलने देती हैं, ना हंसने देती हैं, ना मुस्कुराने देती हैं, ना रोने देती हैं मुझे, ना जीने देती हैं, ना मरने देती हैं। क्यों आरती जी? भगवान करे आपको मेरी उम्र लग जाए, मेरी सारी खुशियां आपको मिल जाए और आपके सारे आंसू, सारे दुख दर्द मेरे आंचल में समा जाए। मैं हमेशा आपको मुस्कुराते हुए देखना चाहती हूँ यश जी, इसीलिए सिर्फ एक मौका दे दीजिए मुझे मेरी सफाई पेश करने के लिए, सिर्फ एक मौका। नहीं आरती जी, मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी। यश जी, आपको मेरी बात सुननी पड़ेगी, आप इस तरह मुझे अनसुना नहीं कर सकते। वो हर इंसान जो गलती करता है उसे उसे सफाई देने का मौका दिया जाता है, उसे ये बोलने का मौका दिया जाता है कि आखिर उसने वो गलती क्यों की, किस हालात में की। प्लीज यश जी, सुनना पड़ेगा आपको, नहीं तो मैं जी नहीं पाऊंगी, मेरा दम घुटेगा अंदर। मुझे आपको सब कुछ सच सच बताना है, सब कुछ। जयशी प्लीज प्लीज रुक जाइए, प्लीज मेरी बात सुन लीजिए यश जी। मैं मानती हूं यश जी, मैंने आपसे झूठ कहा, एक नहीं कई बार झूठ कहा, अपने अतीत को आपसे छिपा कर रखा, लेकिन आज मैं आपको सब कुछ सच बता दूंगी। मैं विधवा नहीं, तलाकशुदा थी। मेरे पहले पति